शहर बिदर जिले का हेडक्वार्टर है, जहां के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़िले के सभी इलाकों से छात्र और छात्राएं आती हैं। बिदर के करीबी इलाकों के अलावा मन्नाखेली, चिंचोली, मन्नली और भालकी से हजारों छात्र और छात्राएं आरटीसी बसों में यात्रा करके आते हैं, परंतु इन रूट्स पर बसों की कमी के कारण ये छात्र बसों में लटक कर यात्रा करने पर मजबूर हैं। खासकर सुबह के समय बसेस न होने और अगर कुछ बसें हैं भी तो समय पर न आने के कारण भारी संख्या में छात्र बसों में लटक कर यात्रा करते हैं और समय पर स्कूल या कॉलेज न पहुंच पाने पर उनकी क्लास छूट जाती है। स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने अपनी इस समस्या के संबंध में केप न्यूज़ को बताया। मेरा नाम प्रहलाद है सर। मैं अब BSc फिफ्थ सेम फाइनल ईयर हूँ, इन नौबत फर्स्ट ग्रेड। इधर से बस सर बस स्टैंड तक है, बस बस स्टैंड से नौबत तक एक भी बस नहीं है सर। सिटी बस बोल के है, बोल रहे है, मगर एक भी बस नहीं है। वो है इधर, सब अपने मर्जी पे चलता सर। बस है बोलते हैं, एक बस नहीं है सर, एक दो बस है, वो टाइम नहीं, टेबल नहीं सर। करेक्ट 10 बजे सिटी बस है सर नौबत का, वो 10 बजे नहीं 10:30 बजे आता सर। एक एक बार 10:30 बजे भी नहीं आता सर, 10:50, 10:40 रोज़ सर, रोज़ टाइम ऐसी। अच्छा, इस विषय में आपको मतलब बिदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, हाँ सर, और जो MLA है, MP है, उन लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्या KP न्यूज़ के माध्यम से हमारे? सर हमें रिक्वेस्ट किया सर, हमारा अभी एक साल है सर, अभी हमारा तो अब ख़त्म हो गया। अब जो आते ना जूनियर, उनके लिए डाल दिया तो बस सर, नहीं तो रोज़ एक एक क्लास मिस हो जा रहा। अब हमारा तो ऐसा वैसा ख़त्म हो गया सर। सुनता उनका डेली बोलते सर बस नहीं आ रही सर, टाइम से डालो बोले तो बस आने के बाद में डालते ना, वो कहाँ है कि मालूम नहीं, ये भी बोलते सर उन्हें सर डिपो के इंचार्ज। नाम MD इरफान खान है, हम GND कॉलेज के बगदल से आ रहे हैं, डायरी बगदल से। बस अवेलेबल है? बस है, टाइम पे नहीं है और हम लोगों को सबको ठहर के जाना पड़ता है और डिस्टर्बेंस तो बहुत एकदम सब लग के तो कोरोना का तो ये इसका तो हम डिस्टर्बेंस तो कुछ भी नहीं है। तो अभी आप कब से बैठे हैं यहाँ पे, कितनी देर से बैठे? अभी हम फिलहाल 1.5 घंटा से बैठे हैं। बसेस नहीं है, पूरे जितने भी ठहरे हैं मन्नाखेली के, बस के तो बहुत प्रॉब्लम है। आने के टाइम बोले तो एक दो बस आते हैं, बाकी के सब फुल। अब जैसे मन्नाखेली से बस आती है वो भी फुल आती है, और बाद में बगदल को जो आती है हमको तो ठहरने को पूरा लटकते हैं। कोई ऊपर ठहरता है, कोई सामने आ जाता है बस के, बस को ऐसा सपोज कोई गिर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसकी वजह से बसेस का बहुत प्रॉब्लम है हमारे इसमें मन्नाखेली रोड पे। बस का तो अभी टाइमिंग मालूम नहीं, आए तो जाना, कभी पे तो जाना, पूरे एक साथ जाते हैं। और अगरचा मेरा नाम MD आमिर पटेल है, हाँ, और अगर चाहे आ भी गए तो बस की सीट पकड़ने के लिए भागते हैं, गलती से एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ, और इसलिए तो आप भागते, अब नहीं मिली तो निकल जाती, ठहरती, वेट भी नहीं रह करती। हाँ, लटक के जा रहे हैं, लटक के आप देख, अभी आप जैसा आती है ऐसा कैसा भागते देखो। हाँ, न सर नागेश संत है। कॉलेज में पढ़ते हम? BOB कॉलेज। हाँ, BCOM फाइनल ईयर। हम शेखापुर से आते हैं। हाँ, डेली बस में आते हैं। बस में सीट मिलता है आपको? नहीं मिलता, बस का प्रॉब्लम तो है, ज़्यादा है इसका प्रॉब्लम। मतलब आप जब आते हैं, हाँ, टाइम भी मेंटेन है बस का। क्लासेस आपको मिलता है? क्लास नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्लास नहीं मिलता। हाँ, टाइम का बस क्या है 10 से, मगर बस आता 10:30 बजे। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है, जगह भी नहीं मिलता, सीट भी नहीं मिलता। अभी कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। हाँ, तो करना कैसा है क्या सोशल डिस्टेंस? क्या है, जगह नहीं मिलता, डिस्टेंस क्या होता ऐसा लटक के जाता, पूरा लटक के जाना पड़ता है। देखो पूरा, देखो एक बार पूरा फुल है, चिमकोट से आते हैं विष्णु बोल के। डेली प्रॉब्लम? हाँ, डेली प्रॉब्लम। कंप्लेंट करे किसी को अभी तक? नहीं करे। क्यों? क्या करना, कंप्लेंट करे तो भी नहीं आता ना। अब अड़ी बजे बस से 4 बजे जाता है। नाम बोलिए आपका? विष्णु। इन छात्रों से बात करने के बाद KP न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार ने KSRTC बिदर के डिविजनल कंट्रोलर जी शिनाय से बात की, जिस पर जी शिनाय ने कहा कि बसों की कमी और छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में जानने के बाद उन्होंने अफसरों को किस समय पर छात्राओं को तकलीफ हो रही है ये जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
और जल्द ही इस समस्या को हल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस संबंध में हमको कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी छात्र ओल्ड बस स्टैंड में स्थित डिविजनल कंट्रोलर कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जो मेरे के हमारे केपी न्यूज चैनल वाले बच्चों की बस की समस्या के बारे में मेरे को अभी आके बात कर रहे कि चिंचोली बद्दल और मनाले की वहाँ जगह बस की तकलीफ है स्कूल बच्चों के लिए, बच्चे वो डोर पे लटके जाते बोल के। अभी हमें तो यही बस स्टैंड पे है, हमारे को तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, फिर भी आप मेरे को इसके बारे में मेरी नज़र में लाई, बहुत तो अच्छी बात है कि ऐसे बातें जब हमारी नज़र में नहीं आते बोले तो आप लोगों का जो कोऑपरेशन बहुत हमारे को ये सुधारने के लिए बहुत ये होता। और अभी मैं हमारे इंस्पेक्टर लोगों को ऑर्डर दे चुका हूँ कि कल कौन सा टाइम पे बस ऐसा स्टूडेंट जा रहा है और कौन सा टाइम पे ये तकलीफ हो रहा है बोल के पूरा सर्वे करने के लिए अभी आके मैं हमारे अफसर लोगों को बोला हूँ, कल पूरा सर्वे करेंगे कौन सा टाइम पे। मेरे हिसाब से अभी उन लोगों को बोला है कि मनाखेड़े को बहुत सर्विस है, फिर भी कौन सा टाइम को तकलीफ हो रहा है बोल के मैं देखता हूँ। फिर भी मनाखेड़े को तो मेरी नज़र में तो बहुत सर्विसेस है मनाखेड़े के वेदर डिपो टू का, फिर भी हमें देखेंगे कौन सा टाइम को प्रॉब्लम होता, आपकी जो दिखाए सो वीडियो में कौन सा टाइम को प्रॉब्लम हो बोल के देखेंगे, देख लेके वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते हैं। मेरा नाम जी सिन्हा है, डिविजनल कंट्रोलर KKRTC बीदर डिवीजन।